हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं कर रही हूँ पूजा, यानी कि सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। पूजा तो करके आ चुकी हूँ घर में। और मेरे यहाँ पे क्या तुलसी जी का जो पेड़ है वो नहीं है, क्योंकि घर कोई रहता नहीं है, तो इसलिए जब भी मैं लगा के आती हूँ तो बाद में सूख जाता है। तो इसीलिए जो भी कोई पेड़ मिलता है मैं उसमें जल दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ परिक्रमा, तो मुझे आ गए चक्कर क्योंकि धूप ज़्यादा थी और सूर्य देवता की 7 परिक्रमा होती हैं, तो ये करके मैं जा रही हूँ अब घर में। और यहाँ पे क्या मैं अपनी किचन के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि बाहर जो हैं मतलब काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं, तो बाहर जो है इधर उधर सब घूम रहे हैं, तो मैं बाहर जो अपने बाल नहीं सुखा सकती, तो यहाँ पे आके किचन में मैं अपने बाल सुखाऊंगी। हालांकि किचन में मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ, पर इस बार सब कुछ किचन में ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों रूम जो हैं वो भी अभी ऐसे ही हैं। और बाहर क्या जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं वो हमारे ही गांव के हैं, यानी कि ससुराल के मेरे, तो उन लोगों के सामने मतलब सर ऐसे नहीं खुला रख सकते। मेरे यहाँ ससुराल में क्या अभी भी थोड़ा पर्दा है, जैसे मैं अपने ससुर से पर्दा करती हूँ तो गांव में सब लोगों से हम लोग पर्दा करते हैं जो बड़े हैं, तो इसलिए सर ढक के ही रखना पड़ता है। और सच में सुबह से काम करते करते हालत ख़राब हो गई थी, अब थोड़ा नहाने के बाद पूजा करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ है। और अब मैं करूँगी सारा घर का काम, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो गाइज यहाँ पे मैं जो है सिल रही हूँ पापा जी के लिए नेकर, क्योंकि मैं जब भी घर आती हूँ तो ये काम जरूर करके जाती हूँ। और यहाँ पे जो है मेरे रूम का जो कलर था वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने अपना बेड उड सब साफ कर लिया है, बस अब इसको लगाना बाकी है सामान इसमें। और मेरे जो गैलरी थी उसमें मैंने कराया है पिस्ता कलर, और जो पापा का रूम है अभी वो बाकी है, मतलब जो कलर हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब और घर का मेरा जो कलर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है। बस मेरा रूम कंप्लीट हुआ है, और जो नीचे कलर गिरा था मैंने काफ़ी कोशिश करी पर वो कलर जा ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे घर में क्या आधे घर में टाइल्स है और आधे घर में सिंपल जो है वो प्लास्टर है। और गाइस गांव और शहर में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहा, क्योंकि मेरा आ गया है पार्सल। पहले क्या था, गांव में ये सुविधा नहीं थी, पर अब सब जगह ये सुविधा है कि आप कुछ भी ऑनलाइन मंगाओ आपका घर पहुंच ही जाएगा। तो मैंने अपने घर के लिए जो है सामान मंगाया है कुछ, तो धीरे धीरे आ रहा है। इससे पहले भी मेरा एक पार्सल आया था, मैं भी आपको दिखाऊँ, ये था मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे अपने किचन के लिए डब्बे, तो जो अभी आपको मैंने निकाल के रखे सामने डब्बे बहुत अच्छे आए हैं। बस एक दिक्कत मुझे ये लगी कि मैंने सोचा कि साइज थोड़ा बड़ा आएगा, साइज थोड़ा छोटा निकला, छोटा मतलब 1 किलो जैसा इसमें कुछ आ जाएगा या उससे कम आएगा, पर इसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो मतलब इसका मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब डिब्बा जो है वो बहुत अच्छा है और एयर टाइट इसका ढक्कन है, तो आप इसमें कुछ भी ऐसा रख सकते हो, चाहे मसाले हो चाहे दाल हो कुछ भी हो। ये मैंने अपने घर के अपने किचन के लिए मंगाए थे, मतलब एकदम A1 के डब्बे हैं, बस थोड़ा साइज मुझे छोटा लगा, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। और मुझे लगा था कि कुछ डिब्बे बड़े आएंगे कुछ छोटे आएंगे, पर ऐसे ही आए। और बाहर जो है पापा जी खड़े हैं, कुछ बता रहे हैं मिस्त्रियों को, मतलब जो कलर कर रहे हैं उनको कुछ समझा रहे हैं। तो गाइस ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।